हैवी व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं आ चुका हूँ न्यू ब्रांड वीडियो लेके। और गाइस आज का जो वीडियो है ना, कभी खतरनाक होने वाला है। क्योंकि देखो, एक तो मैं डुओ रैंक पुश वाला प्लेयर, ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ डुओ रैंक पुश। एंड यार मेरे को अनफॉर्चुनेटली अपने रैंडम्स मिल गया कि हैकर। सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था स्टार्टिंग में कि ये हैकर है। भाई ये बंदा पूरे मैच बोलता रहा भाई मैं हैकर हूँ। बट भाई मैं इग्नोर कर रहा, मैं कल जा मतलब क्या ही कर रहा हूँ, मतलब पागल बना रहा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा होगा। मैंने कहा जी इग्नोर करा भाई। अब तुम देखना, मतलब पहले तो मुझे डाउट होता है एक दो किल्स के वक्त, भाई बंदा मेरे मुंह से मेरे 5 से 7 किल चुराता है। एंड वो शक सब होता है जब बंदा बता देता है मुझे एग्जैक्ट लोकेशन चलती गाड़ी से, जबकि भाई वहाँ पर कोई दिखता भी नहीं है, मतलब बंदा वहाँ पर होगा नहीं होगा। तो बिना कोई देरी करे फटाफट चलते इस वीडियो के अंदर। तो यार हाल फिलहाल कुछ ऐसा था कि मैं उतरा था मिल्टा डुओ रैंक पुश के चक्कर में, क्योंकि अब माइनस में चाहता नहीं, ठीक है। अब भाई मैंने कहा भाई चल भाई गाड़ी घुमा, बंदे ढूंढते हैं। एंड अब देखना भाई, मतलब बंदा क्या ही किल निकालेगा। चलो यहाँ पे भी मेरे को 1% डाउट था, बाकी अब देखना यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे आपने कुछ देखा, मतलब भाई मैंने कितना डैमेज दिया, मतलब बंदा बस आके ठोक के मैंने पूरे हेड दिए, मतलब देखो 3 से 4 बार हेड के मार्क भी आए। बट भाई यहाँ पे ये किल इसके पास गए। चलो मैंने छोड़ा भाई चल जा, 2-3 किल में तेरा भी क्या जा रहा है। वैसे भी तो कौन सा हैकर निकलने वाला है, मैं तो अपने किल निकाल ही लूँगा जैसे जैसे करके, जैसे मुझे निकालनी है। एंड भाई बाद में देखना अब आगे भाई, मतलब बंदा कैसे किल निकालेगा और बंदा कैसे अपने हैक यूज़ करता है। भाई मुझे सबसे ज़्यादा डर था भाई अपनी आईडी का, क्योंकि भाई रैंडम में तो ये आ गए मेरे पास हैकर, बट भाई जो स्पेक्टेट वाले और जो कहते हैं ना एनिमीज जो मरेंगे इसके हाथों, भाई उनको क्या पता है मैं इसका टीममेट हूँ, मतलब मैं इसका फ्रेंड हूँ या नहीं, या फिर इसलिए मैं भी इसके लिए एक रैंडम ही हूँ। तो भाई मुझे पूरे मैच बस एक डर सता रहा इसी चीज़ को लेके, बाकी अब देखो आगे क्या होता है। अब जैसे ही गाड़ी लेके आता हूँ भाई, हमें आते कुछ गाड़ी के साउंड, एंड अब यहाँ देखना यहाँ पे क्या सीन होता है। भाई इस बंदे ने जरा सा भी मौका नहीं दिया भाई, अब तक मेरे 0 किल हैं। और इस बंदे के ना अभी अब तक कम से कम 5 से 6 किल तो इजीली हो चुके हैं। भाई 5 से 6 किल मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, मैं भी कह रहा था भाई चल कोई नहीं हैकर कहाँ होगा। बट अगर मैं बात करूँ भाई, मेरे को एग्जैक्टली 100% श्योर करता ये हैकर है, तो भाई वो मोमेंट है अब। तुम देखना भाई, हम लोग गाड़ी में हैं, गाड़ी मैं चला रहा हूँ, एंड इस बंदे को बंदा कैसे स्पॉट हुआ ये देखो। वॉच आउट, इस बंदे ने एनिमी हेड मारा, मैंने कहा चल रोक लूँ, बट देखो बंदे सीरियसली यहाँ पे होते हैं पूरे फुटस्टेप्स बना के। फिर क्या होता है, इस बंदे ने एक नॉक करा, मैंने कहा फुटस्टेप से इस घर में बंदा है, बट भाई कहते ना मेरा जरा कुछ ज़्यादा ही हाई है, तो वो छोटे से खिड़की से का ग्रेनेड वो हल्का सा बाउंस होकर बाहर ही गिर गया। मैंने यहाँ पे भी ग्रेनेड डाला बट नहीं, इसको कुछ नहीं हुआ। यहाँ देखो ये बंदा फिर से आके दोनों किल ले गया। जिस तरह से भाई बुलेट की साउंड है भाई, इसने बैलेंस चलाई है भाई, उस सबसे साफ साफ पता चल रहा भाई बंदा 1 HP था मेरे ग्रेनेड से। बट भाई मैंने कहा चल छोड़, कुछ नहीं होता, अभी काफ़ी बंदे बचे हैं, अपने 7-8 के जल्दी निकाल ही लूँगा। तो यार जिस हिसाब से पोजिंगी में सीन हुआ भाई, मेरा 100% श्योर हो गया भाई ये पक्का हैकर ही हैकर है। एंड भाई यहाँ पे कह रहा भाई गाड़ी से चलानी है, भाई तू वैसे ही एक हैकर है, ठीक है भाई, तू ऊपर से स्पीड बूस्ट और फ्लाइंग कार लगाएगा वाला चीट, भाई लोग 100% कन्फर्म हो जाए भाई तू हैकर है, और ऊपर भाई तेरे साथ साथ ना मेरी बैडी बहन होगी। और भाई यहाँ होता है मेरा रेंडर, मैंने बोला भाई यहाँ पे पक्का बंदे होंगे, बट भाई ये कहता है कि मैं भी हैक करूँ, आई मीन दिस मीन्स कि मैं डायमंड हैकर है। बट यहाँ देखो बंदा फिर से मेरे किल्स कैसे निकालता है। ये इसने एक नॉक दिया मुझे यार 6-6 फुट से, एंड भाई फिर वही सीन, मेरा ग्रेनेड हल्का सा आगे जाके फटा। एग्जैक्टली देख लिया, तो यार हाल फिलहाल कुछ ऐसा था, इस बंदे ने फिर से मेरे सारे किल ले लिए। अब इस बंदे के हो चुके हैं आराम से 11 किल आराम से, और भाई मेरे सिर्फ 1 किल। एंड अगर देखना भाई एंड तक जाता था ना, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ। मतलब एक तो ये हैकर है, बट भाई इसकी जो किल्स की वो नेक्स्ट लेवल होगी, बाबू पता चल जाएगा मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। तो यार अब हम जाते हैं फटाफट रश करने दूसरी स्क्वाड की ओर, आई मीन दूसरी डुओ पे, बट भाई ये बंदा नहीं सुधरेगा हैकर। तो यार जब हम यहाँ से निकले थे ना, मेरे को यहाँ दिखी थी रिच पे गाड़ी,
सामने ही यूएस, वो भी बंद वाली। तो यार फटाफट से मैंने स्कोपिंग करा, मैंने स्काउट करा, भाई बंदा दिख रहे या नहीं। बट भाई जिस हिसाब से गाड़ी लगी थी ना भाई, मैं 100% कन्फर्म था भाई बंदा होगा। एंड भाई ये पूरे मैच ना उल्टा खुद हैकर होके मुझे बोल रहा, तुम ESP हैकर हो, तुम्हें कैसे पता बंदे की लोकेशन। अरे भाई हम नोबड़े थोड़े ना है सर, सर हम सीजन 2 से खेलने वाले बंदे हैं, हमें कैसे नहीं पता होगा कहाँ पे बंदे हो सकते कहाँ नहीं। भाई देखो बंदे ने एक नॉक निकाला, खेल लेने के चक्कर में अभी कूदा, बट भाई हल्की सी जो ज़्यादा वो अपलिफ्ट थी तो मैं नीचे गिरा और वो किल में से फिर निकल गया। मैंने इसको यहाँ छोड़ा, भाई तू भाड़ में जा, मेरे को चाहिए अपने किल, तू हैकर है, तू हैकर रहेगा। एंड हाँ हैकर हैकर कह रहा हूँ तो यार मैं कुछ ज़्यादा इसको इज्जत दे रहा हूँ, चीटर यार चीटर। सीरियसली भाई पहली बार मेरी मैचिंग में भाई मुझे इतना गुस्सा आता है समय कि तुम्हें डोर एंड कुछ ऊपर से किल्स निकालने और ऊपर से ये सब सीन। एंड देखो आगे क्या सीन होता है। तो यार मेरी गाड़ी वहाँ जाती है फर्स्ट उस घर पे। एंड भाई जैसे हम यहाँ निकलते हैं भाई फिर से मेरा बहुत गंदा लग होता है, सामने दिख जाती है एक जीप। एंड मुझे भी याद था भाई मैं लेके आया था अपनी डाकिया, यहाँ पे कोई भी जीप नहीं थी। तो यार ये देखना है भाई क्या फील होता है, ये बंदा फिर से मेरी किल निकालेगा, बट मैं भी एक नेक किल निकाल ही लूँगा। मैं यहाँ इसको बोलता हूँ भाई एक किल लेने थे, बट भाई नहीं, ये हैकर भूतनी का बिल्कुल किल नहीं छोड़ेगा भाई। पूरे मैच देखना है बंदा क्या सीन करता है अभी और आगे जाके। तो यार मैं हो जाता हूँ उससे बहुत ज़्यादा तंग, मैं इसको छोड़ देता हूँ वहीं पे। और अब देखो भाई सामने मेरे को दिखी गाड़ी, मैंने कहा भाई दो किल तो खाते ही मैं कम से कम और अलग से, बट भाई नहीं ये, अब मैं क्या गाड़ी दूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, सही बता रहा हूँ इतना गुस्सा आता है ना इस पर। इसमें तो दो बंदे मेरे को देते हैं टैग, मैं रोकता हूँ गाड़ी फटाफट से रिविज पे भाई इसको मारने के लिए। बट भाई देखना ये बंदा फिर से मुझे मेरे मुंह से किल निकाल लेगा, बट भाई मैं आप इजी को संभाल लेता हूँ। ये देखो मैंने कहा उसको छोड़, आगे वाले बंदे को, बंदे ने गोली मारी उसको, बंदे ने फिर से सारे किल निकाल लिए। भाई देखा जाए मेरी भी गलती थोड़ा मेरे एम के चक्कर में, बट भाई फिर भी भाई एक तरह से भाई तू हैकर है ठीक है भाई तू सुधर जा, बट भाई नहीं ये बंदा नहीं सुधरेगा। अभी देखो 12 बंदे बचे हैं हमको मिला के, ना देखो आगे क्या क्या सीन होते हैं। तो यार मैं जब यहाँ आता हूँ ना मैं बोलता हूँ भाई मैं तेरी मास रिपोर्ट लगवाऊंगा, तेरी आईडी बैन करवाऊंगा फलाना ढिमकाना, तो भाई मेरे से पूछो तेरे पे डिवाइस कौन सा। तो यहाँ पे थे दो बंदे जो कि दोनों के दोनों बहुत लेट थे, क्योंकि एक था नॉक और दूसरा था काफ़ी ज़्यादा लेट। अब मैं यहाँ किसने एक पिन ताकि भाई जंप पेन के थ्रू मैं ग्रेनेड से मार दूँ, बट यार ग्रेनेड कुछ ज़्यादा वो खुद आता है एंड मुझे मेरा किल मिल जाता है कॉज इनको पीछे से पड़ रही होती है। तो मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा आगे जाके फ्लैंक करूँ, थोड़ा आगे से एंगल निकालूँ ताकि बंदा को तो मैं देख लूँ, बट यार एक्चुअली वहाँ कोई था नहीं, वहाँ पर जितनी भी थी पेटी बन गई थी। इतने में ये गाड़ी दिखती है एंड सीरियस से आप देखा होगा उसको मैंने कितना गंदा टैग दिया इस गाड़ी वाले को, एंड इससे भी मेरे को पलट के एक M24 फोड़ दी। तो मैं समझ चुका भाई इनके पास स्नाइपर तो पंगे लेने की ज़रूरत नहीं, बट भाई मेरे प्लेयर के पास थी ओम ऊपर से ESP हैकर प्लस ऑटो एम, तो ये क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो इस हैकर से। सही बता रहा हूँ ऐसे टीममेट्स मेरे को क्यों मिलते हैं, एक तो वैसे नोबड़े टीममेट्स मिलते हैं ऊपर से नेक्स्ट लेवल हैकर। सीरियसली भाई अभी देखना है यहाँ पे क्या सीन होता है, ये बंदा हम से कितने नॉक निकालेगा यहाँ पे, एंड बाकी मैं यहाँ पे कैसे यहाँ पे मैं कितने किल निकाल पाऊँगा। अभी इस बंदे ने एक नॉक निकाला, मैंने कहा भाई इससे बेटर ऑप्शन कोई और नहीं है या फिर इससे बेटर वक्त कोई और नहीं है। फटाफट से मैं भागता हूँ फ्लैंक करके एंगल निकालने की, मुझे पता है भाई बंदे तक वहीं पर डिप में होंगे और कंटेनर की तरफ ही, एंड एग्जैक्टली बंदे वहीं पे थे। तो ये अभी देखना पे क्या सीन होता है।
तो यार प्यार मोहब्बत से मेरे को एक किल फिर से मिल जाती है। एंड यार ये हैकर चीटर भाई कितना बड़ा ही वो है, गाली तो दूंगा नहीं भाई, क्या करें भाई आदत से मजबूर है, लेकिन लोगों को गाली बखेना बखे भाई एक ही बात है। तो यार आखिरी के बसते 6 बंदे एंड इस पर देखो मैं कैसे किल्स निकालूंगा इसके अंदर। ये बंदा मार करता है भाई यहाँ टनल के अंदर है एक टू वो कि जस्ट अभी मार सामने आई थी, मैं खींचता हूँ ग्रेनेड भाई ताकि एक नॉक मुझे मिल जाए, बट यार नहीं ये ग्रेनेड मेरा नसीब नहीं था, ये ग्रेनेड बाहर फट जाता है। मैं को ग्रेनेड खींचता हूँ भाई मुझे फुट सकता है टनल में से, एना सीरियसली टनल क्या ही बनाई गई है, कैन एवरीवन एक्सप्लेन मी भाई ये बंदा बचा कैसे। यहाँ पे फिरते रगड़ते रगड़ते भाई मेरे को एक ना किल मिल जाता है एंड आखिरी के बचते 4 बंदे हैं ना, देखो यहाँ पे क्या सीन होते हैं आगे। और तो यार हाल फिलहाल कुछ ऐसा था, सामने थे 2 डुओ और हम थे अकेले, ठीक है यहाँ देखना आप क्या ही ग्रेनेड, इस ग्रेनेड का लाइक नहीं करना भाई क्या कहूँ आगे। तो यार फटाफट से लाइक कर देना आपको ग्रेनेड पसंद है और ये डुओ वाइप पसंद आई हो तो, पहला ग्रेनेड भले ही वेस्ट किया हो मेरा बट यार दूसरा ग्रेनेड कभी वेस्ट नहीं जाएगा। एक नॉक निकाल के मैं यहाँ पे फटाफट से एक और ग्रेनेड फेंक देता हूँ, अगर वो बंदा रेफ नहीं आया तो वो इजीली किल हो जाए, बट यार अभी देखना पे क्या होगा, बंदा खुद तो अटकेगा अटकेगा अपने टीममेट को अलग अटकाएगा। तो इस हिसाब से मेरे हो चुके थे 7 किल एंड यार डुओ रैंक पुशिंग में यार 7 या 8 किल यार इनफ होते हैं, तो यार मेरे को इतनी को टेंशन लेने की जरूरत थी नहीं, बट यार असली स्वाद तो अभी आएगा। यहाँ पे बचा बस आखिरी बंदा एंड इसको मारते अपने हो जाएगा इजीली डिलीशियस चिकन डिनर एंड मुझे पता था भाई ऑब्वियसली बात थी भाई चिकन अपने को मिलने के जरिए हैकर के होते ना, इनके लिए कुछ शब्द नहीं है कहने के, चीटर्स मैं बाबर हैकर क्यों कह रहा हूँ। तो यार अब पता आखिरी बंदा है ना, देखो ईजी डिलीशियस चिकन डिनर यार इस बंदी की ना रिपोर्ट लगवानी है, मैंने आपको बीच में एक वो भेजी होगी एक स्क्रीनशॉट जिसके अंदर इसकी आईडी थी, तो आराम से इस बंदी की आईडी पे रिपोर्ट मारो एंड एक आईडी अभी भी आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये आईडी आपको भी इस आईडी पे वो रिपोर्ट मारनी दबा के रिपोर्ट मारो जितनी मार सकते हो। तो मैं कह रहा था कमाल की चीज़ खिलसने वाली, तो कमाल की बात यह है इस गेम में भले इस बंदे के देखो कितने किल्स हैं बट फिर भी MVP इसका बाप बना है, बाप मतलब मैं, आप एक खुद देखो भाई MVP कौन बना है। सो आई होप से कहते आपको गेम पर अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब करना, तब तक ले मिलता अगली वीडियो में, तब तक ले पीस आउट एंड सायोनारा। Bored in a house and I'm in a house boy. Bored in a house and I'm in a house boy. Bored in a motherfucker in a house boy. Bored in a motherfucker in a fucking house. Bored in a house and I'm in a house boy. Bored in a house and I'm in a house boy. Bored in a